और लास्ट में आप लोगों को एक और चीज़ बोलता जाऊँ जो मैंने कहा था कि मैं सेल्फ नहीं क्या सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ क्यों This is a song for those away, for those who can celebrate. Those who always know the way, those who would never say. I make you feel bad cause it's full moon. I make you feel bad cause I hate myself. It's for those who call you on your phone and know what to say without any help. And I guess it goes somewhat like this. Are you sure you will love me in the middle of? Kabhi yaar socha nahi tha ke din itne bure ho jayenge ke matlab बुरे नहीं मतलब सारा हर दिन जो है ना एक अच्छा दिन होता है बट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स नाउ एज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया है एंड फ्रैंकली मैंने व्लॉग नहीं बनाना था अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन होप आप लोगों के लॉकडाउन डेज अच्छे गुजर रहे होंगे अगर नहीं गुजर रहे इसीलिए मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कि लॉकडाउन के दिनों के लिए साइकिल भी ख़रीद ली जिसको मैंने सिर्फ दो दिन चलाया क्योंकि यू गाइस ऑलरेडी नो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ का बहुत शौक है मतलब एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जो आउटडोर से रिलेटेड हो वो मैं इन हूँ आप लोगों को पता है कि यार मुझे गलत झूठ तो बोला जाता नहीं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि फॉर द पास्ट ये जो ढाई हफ्ते हो गए ना इतने टफ गुजारे हैं और आगे 14 तारीख तक गुजारना है एंड गॉड नोज के उसके बाद क्या होता है तो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा डिप्रेशन शुरू हो गया मेरे से ये बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कैमरा मैं उठा के आप लोगों को ब्लॉग करके दे सकूं बट मैंने कहा मुझ जैसे और भी लोग जो होंगे घरों में बैठे हैं आई एम स्टिल लकी कि मैं अपने एक जगह से उठ के दूसरी जगह गुलबर्ग में ही जाता हूँ एंड एटलीस्ट आई हैव अ फ्यू पीपल अराउंड मी जिनके साथ मैं अच्छा टाइम गुजार लेता हूँ और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग वगैरह कर लेता हूँ पता नहीं आप में से कितने लोग होंगे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी तो दैट इज़ वाई आई थॉट के यार वाई नॉट व्लॉग अब ये जो है क्या दिन थे यार ये बेसिकली फ्रिज मैगनेट्स हैं जहाँ जहाँ मैं आज तक गया हूँ ना वहाँ वहाँ से मैंने ये कलेक्ट किए मैं और मैं आज इनको देख रहा था कि यार आई डोंट नो अब कब अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं भी जाने को इनमें से थाईलैंड सऊदी अरेबिया वेगस रशिया पेरिस मतलब बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ अपने ट्रैवल को लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे बिजली के बिल बचाओ आजकल एनर्जी कंज्यूम करना कम कर दो क्योंकि वैसे भी हो चुकी है कम लेकिन स्टिल अगर वेस्ट कर रहे हो तो नो आज व्लॉग बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इतने बुरे हालात में भी दिन को बेहतर बनाया जा सकता है This is a song for those away, for those who can celebrate. For those who always know the way, for those who would never say. I make you feel bad cause it's full moon. I make you feel bad cause I hate myself. It's for those who call you on your phone and know what to say without any help. And I guess it goes somewhat like this. Are you sure you will love me in the middle of the night? When the darkness. Hello, Sultan. Hello. Idhar aao. Ow! 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 Hello, Princess. तो पिछले ढाई हफ्ते के लॉकर ने बहुत कुछ सिखाया है जैसे कि अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो मोटापे को कम करो एक साल हो गया था कि मैंने किसी किस्म की एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी मतलब आप लोगों ने मुझे ब्लॉक करते हुए देखा मेरा ग्राफ जो है मोटापे का वो ऐसे जाना शुरू हुआ है
जो सेकंड अच्छी चीज़ वो सीखने को मिली है ना इन ढाई हफ्तों में, कि भाई हम एबनॉर्मल बिहेवियर था अपने घर वालों के साथ, मतलब हम टाइम ऑलमोस्ट ना होने के बराबर गुजारते थे, जो कि अब फ्रैंकली स्पीकिंग नॉर्मल बिहेवियर की तरफ हम जा रहे हैं। ढाई हफ्ते में ये है कि बहुत से इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग एक दूसरे को इतना टाइम देने के आदी नहीं रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम इस चीज़ को, इसमें से पॉजिटिव्स मैंने कहा ना निकालो, इस बुरे हालात में से भी पॉजिटिव कोई चीज़ निकालो और उसको कैरी फॉरवर्ड करो अपनी ज़िंदगियों में आगे। और तीसरी जो चीज़ मुझे फ़ील हो रही है और उनकी इम्पोर्टेंस आई है, दैट इज़ माई फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं आपको पता है कि बहुत निकलता था। तो पिछले ढाई हफ्ते में मैं नहीं निकला, सिर्फ मेरा एक दोस्त है, वो चीता दोस्त है, वो शाम को कभी कभार आ जाता है। तो चौथी चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में डाल दी है, विच इज़ आई लव साइकिलिंग, आउटडोर साइकिलिंग, तो वो मैं अभी करने निकला। साइकिलिंग ही नहीं है जो खाली मैं करता हूँ, एक और चीज़ भी शुरू कर दी है वापस, जो बचपन का शौक था, समझ जाओ, कॉज एवरी लिटिल हेल्प्स। बर्ग का इमरान ताहिर देखना चाहते हो? आया अगर क्रिकेट से भी ना थको ना तो तीसरी चीज़ भी कर सकते हो, वॉक आउटसाइड योर ब्लॉक, गली, मल्ला, वेरेवर यू वांट। एंड पे हम जैसे कार्टून लोग आपको एक राय देंगे जिसपे हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजान कैमरे के लिए, मतलब इस व्लॉग के लिए कोशिश करे तो वो एक अलग बात है, और वो है कि हेल्दी डाइट। हम लोग अपने ही आजकल कुकिंग कर रहे हैं, सो कॉल्ड कुकिंग, मतलब किचन से बनवा लेते हैं या सिर्फ सीख पे रखते हैं और हम उसको समझते हैं। मेहनत लगती है उस पर भी, अंदाज़ा कर लो, इसको खाने पे नहीं मेहनत लगती, सिर्फ 5-10 मिनट गर्म करने पे मेहनत लगती है। तो उसके शॉर्ट्स हैं, वो आप देख लो, इन्जॉय करो। और आपको भी फिजान और मेरी तरफ से एटलीस्ट ये एडवाइस है कि इन दिनों में भी ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि आप ऐसे बुरे हालात जो वबा फैली हुई है उस दौरान, डिप्रेशन के दौरान, ये भी आप कर सकते हो जो शायद हमेशा से आप चाहते थे कि कुकिंग करना, कोई रेसिपी ट्राई करना। तो मेक श्योर
कि आप लोग वो करो, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ये इधर आ रहा है, इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इस पे डेली स्टोरीज लगती हैं और इसका पता नहीं इंस्टाग्राम खाने की आती है मेरी स्टोरी ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल, तो उस पे मैं डेली स्टोरीज अपलोड करता हूँ, मैं शायद इतने व्लॉग नहीं बना पा रहा, तो आप उस पे ज्वाइन करो और उसको इंजॉय किया करो। दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा खाता है और कौन कम, ये तो वेट ही बताएगा। तो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, हमारी तरफ से हम यही कहेंगे कि स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड नॉट स्टे होम, गो आउट। हाँ थोड़ा सा घूमो, दोस्तों के पास जाओ, उनके पास, मतलब ये लोग आपको सारे कहेंगे जो भी देखेगा कि यार ये सबसे गलत राय दे रहा है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग भाई जिनको समझ आएगी वो यही कहेंगे कि ठीक राय दे रहा है, क्योंकि तंग आ चुके हैं लोग। और सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड ईजाद हुआ है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और बड़ी अच्छी बात है लोगों की फ़ोन से तंग आना और कहना कि यार आप किसी से मिलें, बात करें, बैठें। पहले लोग होते थे आमने सामने बैठ के फ़ोन पे लगे रहते थे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये ढाई हफ्ते ने ये भी सिखा दिया कि भाई जब एक दूसरे की कदर सामने बैठो, फैमिली में बैठो, दोस्तों में बैठो, रिश्तेदारों में, जहाँ भी बैठो, फ़ोन कितना यूज़ कर लिया इस ढाई हफ्ते में, एंड हो गया ना, तो भाई अब से सोशल डिस्टेंसिंग ये जो वर्ड है हम इसके ऑपोजिट चलेंगे, और वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इंस्टा स्टोरीज पे, जाके ज्वाइन करना। लाइक ऑलवेज जो हम पहले कह चुके हैं कि भाई अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखें, और फिजान की भूख का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। This is a song for those who wait, for those who can celebrate, for those who always know the way, for those who would never say. I make you feel bad cause it's full moon, I make you feel bad cause I hate myself. It's for those who call you on your phone and know what to say without any help. And I guess it goes somewhat like this. Are you sure you will love me in the middle of the night? The darkness that's living outside makes its way in my mind. Are you gonna tell me that I'm gonna be okay? Cause I'm not one of those who wait, and I cannot celebrate, and I always forget the way because of a musician's brain. Yeah, take a look at the PET scan, see my hippocampus, it is shaped like a 2012 10 drum set, and that's where lives my pain. Are you sure you will love me in the middle of the night, when the darkness that's living outside makes its way in my mind? Are you gonna tell me that I'm gonna be okay? Are you gonna tell me love when I need to be told? And are you sure you love me in the middle of the night, when the darkness that's living outside makes its way in my mind? Are you gonna tell me that I'm gonna be alright? And last, mein aap logo ko ek aur cheez bolta jaun jo maine kaha tha ki main सेल्फ, मतलब सेल्फ नहीं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के ख़िलाफ़ क्यों? अगर ऐसे दोस्त हों ना तो टाइम बहुत अच्छा करते हैं। मजबूरी है, हैवी गले लगा। कैसा महसूस होता है? हाँ ऐसे मुझे महसूस यही हो रहा है कि मैं अकेला बैठ के खा लूँ और साथ में मेहमान आ जाओ पसंद। क्या बात है, इसीलिए जरूरी होता है, इसीलिए तो जहर लगते हैं जब मेहमान आते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हाँ, बॉन एपेटिट।